आ गया है। ऑर्डर! अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा ना तो जाने दो। क्रांति गुरु की जय, क्रांति गुरु की जय। बंदूक के नीचे कट, हट, जरा पीछे हट, पीछे हट। अभी भी कहते हैं क्रांति गुरु सरेंडर कर दो, दैट प्रॉमिस, हम तुमको बचा लेंगे। मैनसन, तू ये सोच कि तू कैसे बचेगा। क्रांति गुरु, मैजिशियंस को चैलेंज करके अच्छा नहीं कर रहे हो। तुमको मालूम नहीं, पूरे बेदूर को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसी गलती करके तो देख, परिणाम शीघ्र ही तेरे सामने आ जाएगा। ए, पीछे हट, हट। मैनसन साहब, दरवाजे तक छोड़ने नहीं चलेंगे, चलिए। इसे बच नहीं पाओगे, हम तुमको कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। तुम लोगों के अत्याचार के विरुद्ध नफरत हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर छलक रही है। किस से बदला लोगे मैनसन साहब? देखना मैनसन। तुम कौन? क्रांति गुरु। क्रांति गुरु? पर वो तो अभी अभी यहाँ से गाया है। वो कहीं नहीं जाएगा मैनसन। जाना तो तुम फिरंगियों को है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी में गए हो गए इन लोग। सर आई थिंक दिस साइड। लेट्स गो देन। Kranti Guru? यहाँ से तो बहुत खून बह रहा है। कुछ नहीं बेटा, जरा सी खरोच है। नहीं ताते गुरु, हमें देखने दीजिए। हे देवा, आपको तो गोली लगी है और घाव भी बहुत गहरा है। मनु बेटा, सैनिक का हर घाव उसके लिए एक तमगा होता है। हमसे नहीं होगा ताते गुरु। क्यों नहीं होगा बेटा, इसमें क्या मुश्किल है? चाकू की नोक को घाव में डालकर गोली को खींच लो। लेकिन ताते गुरु देखिए तो, बिल्कुल बिल्कुल लाल हो रहा है। हम आपके घाव में कैसे? नहीं ताते गुरु, आप हमारे गुरु हैं। मनु, मेरी मनु कमजोर नहीं है। गोली निकालो मनु, मनु गोली निकालो। मनु कहाँ गई है? शाबाश बेटा। मनु, मनु कहाँ गई? पूरा महल छान मारा पर कहीं नहीं मिली। अवश्य महल से कहीं बाहर ही गई होगी। क्या हुआ मनु? अब क्रांति गुरु को मरना होगा ताते गुरु। अरे, मनु का घोड़ा तो यही है। इसका मतलब कि मनु महल से बाहर नहीं गई है। पर फिर वो कहाँ जा सकती है? खून के थप्पे? क्या कह रही हो बेटा? हाँ ताते गुरु, इसी क्रांति गुरु के कारण मलंग बाबा को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। उसी क्रांति गुरु के कारण आपको गोली लगी और अब इसी क्रांति गुरु के कारण ये दूर फिरंगी निर्दोष बिटूरवासियों पर अत्याचार करेंगे। नहीं, अब नहीं। मनु, रुक जाओ। नहीं ताते गुरु, बहुत निर्दोष लोगों का इस क्रांति ने। क्रांति? क्रांति कभी मरती नहीं है बेटा। ताते गुरु, मेरे कारण दूसरे दुखी हो, ये मैं। दुखी? तुम्हें पता है बेटा, क्रांति गुरु के लिए लोगों के दिलों में कितना प्यार है। लोग तुम पर गर्व करते हैं। उनके अंदर एक विश्वास जाग उठा है कि कोई तो है जो उन पर किए गए अत्याचारों का इन फिरंगियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। तुम लोगों के लिए क्रांति गुरु नहीं बल्कि एक मसीहा हो। वो लोग क्रांति गुरु को अपना आदर्श मानते हैं। मनु, तुमने लोगों के दिलों में जो आस जगाई है उसे टूटने मत देना, अन्यथा वो लोग बिखर जाएंगे। देवा, मनु क्रांति गुरु है। मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटा कि तुम इस क्रांति गुरु को कभी मरने नहीं दोगी। तुमने लोगों के दिलों में जो आस जगाई है उसे टूटने मत देना, अन्यथा वो लोग बिखर जाएंगे। मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटा कि तुम इस क्रांति गुरु को कभी मरने नहीं दोगी। कल बताती हूँ तुम्हें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म ओम श्री गुरुवे नमः। सैनिकों, योद्धा का प्रिय मित्र उसकी तलवार होती है, इसलिए हम सबसे पहले तलवारबाजी का अभ्यास करेंगे। अपनी अपनी तलवारें उठाओ। अरे ये तो लकड़ी की तलवार है। मनु दीदी, हम क्या नकली सैनिक है? हम लकड़ी की तलवार से नहीं, असली तलवार से अभ्यास करेंगे। अरे प्राची, तुम सब असली के सैनिक ही हो, लेकिन शुरुआत में अभ्यास लकड़ी की तलवार से किया जाता है, और जब तुम पूर्ण रूप से अभ्यस्त हो जाओगी तब हम असली तलवार से अभ्यास करेंगे। सच्ची मनु दीदी? हाँ प्राची। अब जैसा मैं करूं उसी प्रकार तुम लोग करोगे। अपनी अपनी तलवारें अपने सर के ऊपर रखो, इसी तरह। बहुत अच्छी। अब इस तरह से वार करो, संभाल कर। बहुत अच्छे। अब हम आत्मरक्षा सीखेंगे। मेरे सर पर एक वार करके दिखाओ। इस तरह से अपने सिर के वार को रोका जाता है। अब मेरी बाईं तरफ। इस तरह से अपने बाईं तरफ के वार को रोका जाता है। मेरी दाईं तरफ। और इसी तरह से इन वारों को रोका जाता है। अब इन क्रियाओं को करके दिखाओ। बहुत अच्छा। प्राची, संभाल कर, यदि तुम्हें लग न जाए। इस तरह से। बहुत अच्छा। ये क्या प्राची? मनु दीदी, हम थक गए। सैनिक कभी थकते नहीं प्राची, समझी? हाँ, समझ गई। बहुत अच्छे। अच्छा, क्या ये सब चल रहा है? और देखो तो, मैं प्राची भी साथ में है। इंदु दीदी, आप यहाँ क्यों छिपी हो? चलिए ना, आप भी हमारे साथ रामलीला का अभ्यास कीजिए। तुम यहाँ रामलीला का अभ्यास करा रही हो या फिर अपनी नारी सेना बना रही हो? नहीं नहीं, रामलीला में भी तो राम की सेना थी ना, उसी का अभ्यास कर रहे हैं। हमें मूर्ख ना समझो, हमें एक एक बात का पता है कि तुम क्या क्या कर रही हो। हमने क्या किया इंदु दीदी? ऐसी भोली बन के पूछ रही हो जैसे कुछ किया ही ना हो। फिरंगी का कोड़े, उल्टे सीधे तीर बना के धमाके किए। इंदु दीदी, हमने जो कुछ भी किया इन फिरंगियों के अत्याचार के विरोध में किया है। अब आप ही बताओ, अपने अधिकार के लिए लड़ना अपराध है? और ये फिरंगी हमारे स्वाभिमान को चोट पहुँचाए और हम सहते रहे? नहीं नहीं, तुम्हारी तरह जाकर सब फिरंगियों का झंडा जला दे। अरे तुमने तो कमिश्नर के घर से अशर्फियाँ चोरी करके हमारे बाबा साहब की कोष में इसलिए रख दिया ताकि फिरंगी उन पे आरोप लगा सके। नहीं नहीं इंदु दीदी, वो तो क्रांति गुरु ने किया है। तो जब यही है क्रांति गुरु। और इसी के वजह से हमारे बाबा साहब को फिरंगियों के सामने बार बार अपमानित होना पड़ रहा है, और इसी के कारण हमारा विवाह संबंध बनते बनते टूट गया। इंदु दीदी, आपके संबंध टूटने का दुख जितना आपको है उतना हमें भी है, परंतु मेरा विश्वास कीजिए, इसका कारण भी झूठ फिरंगी थे। तुम चाहे जो कह लो, हम नहीं मानने वाले। हम सबको बता देंगे कि तुम ही हो क्रांति गुरु।